सो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। इन्फिनिक्स लॉन्च करने वाला है 18 मार्च को मलेशिया के शहर कोलालंपुर में अपनी नोट सीरीज के दो नए फोन्स, एक है इन्फिनिक्स नोट 40 एंड दूसरा इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G। आज हम आप लोगों के साथ इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इस फोन को ऑफिशियली इन्फिनिक्स तरफ से टीज कर दिया गया। इस फोन का डिजाइन निकल के आ चुका हुआ है एंड वो स्पेसिफिकेशंस जो इस वीडियो से पहले बताई जा रही थी काफी हद तक कंफर्म ही हो चुकी है। कुछ स्पेसिफिकेशंस रह गए हैं जो कि 18 मार्च को कंफर्म हो जाएंगी। आज हम इस फोन की डिटेल स्पेसिफिकेशंस के बारे में आप लोगों के साथ बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग फोन के डिस्प्ले को देखें। इस फोन के अंदर आपको 6.78 इंचेस का स्क्रीन साइज ऑफर किया गया है। फोन अपने साथ एमोलेड डिस्प्ले लाता है, फुल एचडी प्लस की स्क्रीन रेजोल्यूशन रखी गई है एंड ये वाला फोन पहली बार इन्फिनिक्स नोट सीरीज का फोन होने वाला है जिसमें आपको कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। इससे पहले इनकी जीरो सीरीज के अंदर आप लोगों को कर्व्ड एजेस प्रोवाइड किए गए थे, बट नोट सीरीज के किसी फोन के अंदर आप लोगों को कर्व्ड एजेस नहीं प्रोवाइड किए गए थे। अब ये कितना रिलायबल होता है और कर्व्ड एजेस जो 2024 के अंदर काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं, ये कितने सक्सेसफुल होते हैं ये भी देखने को मिलने वाला है हमें इस 2024 के अंदर, क्योंकि काफी ज्यादा कंपनीज जो हैं वो 2024 के अंदर कर्व्ड एमोलेड डिस्प्लेज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर तो चाइनीज ब्रांड्स की तरफ से और पाकिस्तान के अपने ब्रांड की तरफ से भी कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले वाले फोन्स ऑफर किया जा रहे हैं। वैसे पर्सनली आप मुझे बताएं कि कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले वाला इससे पहले आप लोगों ने कोई फोन यूज किया है? अगर नहीं यूज किया तो कोई प्लान है आप लोगों का लेने का? क्योंकि कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले वाले जो फोन्स होते हैं इनकी रिलायबिलिटी थोड़ी कम होती है। यही वजह है कि सैमसंग जो कि एक किंग ब्रांड था जिसने इस चीज को इंट्रोड्यूस करवाया था, उसने अपनी S24 के अंदर कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले पर खत्म कर दिया। हालांकि लोगों को काफी तरह अजीब फीलिंग आई कि यार क्यों एक्चुअल में खत्म किया गया, क्यों फ्लैट लुक लिया गया, क्योंकि जो आप लोगों को एजेस मिल रहे होते हैं फोन्स के अंदर इससे बेहतर एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है, आपका व्यू एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा होता है, बट रिलायबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा जो है ना कॉम्प्रोमाइज हो रही है, क्योंकि सैमसंग के फोन के अंदर डॉट भी आता है, ब्लिंकिंग भी आता है, स्क्रीन इश्यूज काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। यही वजह से आपको सैमसंग की S24 सीरीज के अंदर इस बारी कोई भी एज वाला डिस्प्ले देखने को नहीं मिला। सो इस बारे में आपकी क्या ओपिनियन है मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। हम दोबारा मूव ऑन और अपने फोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में हम बात करते हैं। इस फोन के अंदर आप लोगों को 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट ऑफर किया गया है एंड साथ फोन का स्क्रीन डिजाइन पंचुअल कटआउट के साथ आता है। एक अच्छा डिस्प्ले लगाया गया है। 18 मार्च को जब फोन लॉन्च होगा तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में डिस्प्ले के कलर्स कैसे हैं, सैचुरेशन कैसी है, हमें ओवरऑल डिस्प्ले देखने को कैसा मिलता है। तो 18 मार्च को वो फोन लॉन्च किया जाएगा और आप लोगों को एक वीडियो हमारे चैनल पर भी देखने को मिलेगी, तो मेक श्योर कर लीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को दबा के लास्ट मोल कर लीजिएगा। इस फोन का काफी सिंपल सा डिजाइन निकल के आया है और डिजाइन आप लोग देख सकते हैं। इससे पहले हमने इन्फिनिक्स की सीरीज के अंदर कुछ इस तरह का डिजाइन ऑलरेडी देखा भी हुआ है। अब फोन की बैक पे लगाई गई ट्रिपल कैमराज मॉड्यूल्स। अब पहली बार ये है कि इन्फिनिक्स के किसी फोन से कैमरा मेगापिक्सल्स को अभी तक कंफर्म नहीं किया गया, जबकि दो दिन रह गए लॉन्च इवेंट के अंदर। अब कहा जा रहा है शायद आपको बैक पे 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया जाएगा एंड 8 मेगापिक्सल का या तो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा हो सकता है या फिर 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा हो सकता है और एक QVJ का मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को लो लाइट सेंसर देखने को मिलेगा। सेल्फी शूटर के बारे में 32 या 52 मेगापिक्सल दो आवाजें आ रही है कि या तो 32 मेगापिक्सल का कैमरा होगा या 50 मेगापिक्सल का कैमरा हो सकता है। ये भी 18 मार्च को कंफर्म हो जाएगा, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअल में इस फोन के कैमरास कैसे होने वाले हैं। अब हम बात करें इस फोन के रैम और रोम वेरिएंट की, तो इस फोन के अंदर आप लोगों को 12GB की रैम देखने को मिलने वाली है। UFS 3.1 की स्टोरेज को इस फोन के अंदर इंक्लूड किया गया है जो कि 256GB की स्टोरेज आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली है। अब प्रोसेसर के बारे में भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कौन सा एक्चुअल में प्रोसेसर होने वाला है। मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था जिसमें कहीं जगह कहा जाता है कि इसमें आपको डायमेंसिटी 720 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, बट ज्यादातर जो लीक्स और रूमर्स आ रहे हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि डायमेंसिटी 8 सीरीज का आप लोगों को प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। एंड इस फोन की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फोन के अंदर आप लोगों को 100W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट प्रोवाइड की गई है एंड 50W की वायरलेस मेगा सेफ की चार्जिंग की सपोर्ट प्रोवाइड की गई है। एंड इसके अंदर एक डेडिकेटेड चीते X1 की चिप लगाई गई है जो कि आप लोगों को चार्जिंग प्रोवाइड करेगी एंड काफी एफिशिएंट तरीके से चार्जिंग प्रोवाइड करेगी, क्योंकि जब आप फोन को तेजी से चार्ज कर रहे होते हैं ना तो फोन के हीटअप होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं एंड जब फोन हीटअप होता है बैटरी हीट होती है तो वो ब्लास्ट भी हो सकती है। तो इस चीज को कूल और मेंटेन रखने के लिए इसके अंदर एक डेडिकेटेड चिप भी लगाई गई है एंड अगर आप लोगों ने 60-70W वाले फास्ट चार्जिंग के फोन को अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया तो मैं आप लोगों को लिटरली बताना चाहता हूँ फोन 0-100% काफी ज्यादा तेजी से चार्ज होने वाला है। सो इन्फिनिक्स का ये वाला मूव काफी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग मूव होने वाला है कि मार्केट के अंदर अब वो अपना 100W वाले फास्ट चार्जिंग वाली डिवाइस भी लेके आने वाले हैं। इस फोन के अंदर आप लोगों को 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, साथ इस फोन के अंदर आप लोगों को टाइप सी की कनेक्टिविटी मिल जाएगी, डुअल सिम की सपोर्ट मिलती है इस फोन के अंदर, 3.5 वाला ऑडियो जैक आता है नहीं आता इस चीज के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। सो ये ओवरऑल स्पेसिफिकेशन है इन्फिनिक्स के नोट 40 प्रो 5G की। प्राइस के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कि किस प्राइस टैग के ऊपर ये फोन लॉन्च होने जा रहा है। 18 मार्च को रिवील हो जाएगा। पाकिस्तान की मार्केट में अगर ये आता है तो
तकरीबन 80,000 या 100K के राउंड बार इस फोन की प्राइस एक्सपेक्ट की जा सकती है। इस प्राइस टैग के ऊपर वैसे तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान के अंदर कोई इस फोन को बाय करेगा, क्योंकि रेट काफी ज्यादा हाई हो जाता है फोन पाकिस्तान के अंदर कंपनी लॉन्च करती है, 50-60 की ब्रैकेट में रहता है, तो काफी ज्यादा चांसेस है बल्कि डेफिनेटली लोग इस फोन को बाय करेंगे। क्या ओपिनियन है आप लोगों के इस बारे में कॉमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो के अंदर।